केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा के बारे में कहा जाता है कि उसका संगठन कभी भी रेस्ट मोड में नहीं आता और एक चुनाव निबटता है तो दूसरे की तैयारी में जुट जाता है। बरेली से मुरादाबाद तक भगवा कैंप अब एक नए मिशन में जुट गया है। कुछ महीने बाद स्नातक MLC चुनाव होने हैं तो इसके लिए टीम भाजपा खास रणनीति के साथ मैदान में कूद पड़ी है। बरेली मुरादाबाद सीट पर 2017 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रेणु मिश्रा को जितने वोट नहीं मिले थे उससे भी ज़्यादा के अंतर से भाजपा के जयपाल सिंह बिष्ट ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था। भाजपा ने इस चुनाव में 23,973 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ भाजपा के तेवर और तैयारी फिर से वैसी ही ताकत दिखाने के हैं और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बरेली मुरादाबाद मंडल के सभी 9 जिलों में जोर शोर से ऑपरेशन ग्रेजुएट छेड़ दिया गया है। बरेली मुरादाबाद MLC स्नातक सीट के चुनावी आंकड़े भाजपा की आंखों में चमक और सपा को मायूस करने वाले रहे हैं। पहले इस सीट से भाजपा के MLC डॉक्टर नेपाल सिंह व्यस्त रहे थे। 2014 में उस वक्त के मौजूदा स्नातक MLC डॉक्टर नेपाल सिंह रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने तो सीट खाली हुई। इसके बाद उपचुनाव हुआ तो भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त ने जीत का झंडा बुलंद किया था। इसके बाद 2017 में बरेली मुरादाबाद स्नातक MLC सीट पर चुनाव हुआ तो भाजपा ने पहले से भी ज़्यादा पावर दिखाकर सपा को धूल चटा दी। जयपाल सिंह बिष्ट फिर बड़े अंतराल से दूसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उन्होंने सपा की रेणु मिश्रा को 23,973 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। समाजवादी रेणु मिश्रा महज 15,090 वोट हासिल कर सकी थी जबकि कांग्रेस उम्मीदवार कुमुद गंगवार 6,347 वोट पर ही सिमट गई थी। मैदान में प्रत्याशी तो कुल 11 थे मगर बाकी 8 मुकाबले में दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। स्नातक चुनाव में जागरूक ग्रेजुएट वोटर मतदान करते हैं, ये चुनाव बगैर चुनाव चिन्ह के होता है। ऐसे में मतदाताओं को प्रत्याशियों के आगे बरीता क्रम में 1, 2, 3 लिखना होता है। जानकर हैरत होगी कि पिछली बार हुए चुनाव में पढ़े लिखे मतदाताओं में से 6,183 ऐसे रहे जो अपना वोट सही से नहीं डाल पाए और उनका मत निरस्त हो गया। मौजूदा MLC जयपाल सिंह बिष्ट का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है। अगले कुछ महीने में फिर चुनाव होना है तो भाजपा ने अभी से अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। इस चुनाव में पूरा खेल हर बार नए वोटर बनवाने का होता है और भगवा ब्रिगेड पूरी ताकत से इस मुहिम में जुटी नजर आ रही है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद और रामपुर, संबल, अमरोहा व बिजनौर जिले में भाजपा संगठन ने चुनावी तैयारियों का संगनाद कर दिया है। बरेली महानगर में चुनावी तैयारी की कमान महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने थाम ली है। एक दिन पहले महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा की अध्यक्षता में MLC चुनाव को लेकर मैराथन बैठक हुई। MLC जयपाल सिंह बिष्ट, MLC कुंवर महाराज सिंह के साथ मेयर डॉक्टर उमेश गौतम पार्टी के सभी पार्षदों के साथ बैठक में मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा ग्रेजुएट मतदाताओं के अधिक से अधिक वोट बनवाने का था और इस अभियान की सुपर मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येश पांडे को महानगर संयोजक, बंटी ठाकुर को बरेली शहर संयोजक और विष्णु शर्मा को कैंट विधानसभा का चुनाव संयोजक बनाया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा कि MLC स्नातक चुनाव जल्द होने वाला है, इसलिए पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता तुरंत ऑपरेशन ग्रेजुएट में जुट जाएं। ये बात सभी जानते हैं कि एक तरफ जहां भाजपा का भारी भरकम संगठन MLC चुनाव की तैयारी में जुट गया है तो दूसरी ओर सपा का कई महीने से जिला और महानगर संगठन ही भंग चल रहा है। सपा ने बरेली मुरादाबाद स्नातक MLC चुनाव के लिए छात्र नेता से प्रताप यादव को उम्मीदवार जरूर पहले से बना दिया है मगर संगठन भंग होने के चलते उन्हें शाहजहांपुर से अमरोहा बिजनौर तक दौड़ लगाने में पसीना आ रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने भले ही अपना प्रत्याशी तय नहीं किए हैं मगर भगवा कैंप की हर जिले में जोरदार तैयारी रणनीति के हिसाब से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है।